हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ। तो जैसा आपने पिक में देख भी लिया होगा बाहर, वो क्रोसिया का डिज़ाइन है और उसको मैंने सिलाइयों से बनाने की कोशिश की है। तो अगर डिज़ाइन पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ अलग तरीके से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो इसको बनाने के लिए आपने रखने हैं 8 के मल्टीपल में फंदे, प्लस दो आपको रखनी है एक्स्ट्रा एज स्टिच। 8 के मल्टीपल में ये डिजाइन पड़ता है, प्लस आपको दो कर लेना है। जैसे कि मैंने यहां पर लगाए हैं 18 स्टिचेस, अब 8 से गुणा करके 16 और प्लस उसमें दो करके 18 फंदे मैंने यहां पर डाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहली रो सीधी तरफ से, रो वन राइट साइड से पहला फंदा सीधा उतारा, फिर धागा आगे लाएंगे। ये जो शुरू का फंदा मैंने सीधा उतार लिया, अब धागा आगे लाएंगे और ये पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे। रो वन है, राइट साइड है, बट हम ये रो पूरी उल्टी बनाएंगे। सिर्फ पहला फंदा हमने सीधा उतारा, लास्ट का फंदा भी हम सीधा ही बनाएंगे, बाकी सारी रो हम ये उल्टी बनाएंगे। तो उस रो को आप कंप्लीट कर लीजिए। अब आ जाइए रो टू पर, रॉन्ग साइड से दूसरी रो उल्टी तरफ से। तो इसमें ध्यान से देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा तो उल्टा उतारा, अब धागे को पीछे ले जाएंगे और यहां पर हम जाली डालेंगे। जाली डालने के लिए धागे को यूं घुमाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे और पूरी रो हम देखिए इसी तरह से ही बनाएंगे। देखिए एक फंदा छोड़कर धागे को घुमाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागे को घुमाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागे को घुमाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे। तो ये पूरी रो हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। धागे को घुमाना है, फिर फंदा सीधा बनाना है, हर फंदे में हमने इसी तरह से ही करते जाना है। तो ये रो आप बना करके कंप्लीट कर लीजिए। अब लास्ट में देखिए हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसमें भी धागे को घुमाएंगे और इस फंदे को भी हम सीधा बना लेंगे। ये हो गई रो टू रॉन्ग साइड से। अब आ जाइए रो थ्री पर, राइट साइड से तीसरी रो सीधी तरफ से। तो ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा तो हमने ऐसे ही उतार लिया, फिर धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब देखिए जो हमने धागा घुमाया था पिछली रो में, उसको हम यूं उतार देंगे और आगे वाला फंदा सीधा बनाएंगे। जो देखिए यही पूरी रो में करते जाएंगे, जो हमने धागे को घुमाया था उसको हम उतार देंगे और आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। धागे को घुमाया था उसको उतार देंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। ये पूरी रो हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। जो धागा हमने घुमाया था उसको हम उतार देंगे और आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये पूरी रो हमने इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए रो मैंने यहां पर कंप्लीट कर ली, लास्ट का फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। अब रो फोर पर आ जाइए रॉन्ग साइड से फोर्थ रो उल्टी तरफ से। तो ध्यान से देखिएगा इसको भी, इसमें पहला फंदा तो उल्टा उतार लिया, अब देखिए अब यहां पर हम सात फंदे पहले स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लिया, अब सात फंदे स्लिप करेंगे। ये हमारा एज स्टिच है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद हम सात फंदे स्लिप कर लेंगे। एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छह और ये सात। सातवां फंदा हमने स्लिप नहीं करना है, छह फंदे देखिए एक दो तीन चार पांच, छह फंदे स्लिप कर लिए और सातवां फंदा हमने इस तरह से पकड़ना है और इसको हमने उल्टा बना लेना है। ये देखिए इस तरह से उल्टा बना लिया। अब ये जो छह फंदे हमने स्लिप किए, ये हम एक एक करके इस सातवां फंदे के ऊपर में से यूं उतारते जाएंगे। तो ये छह फंदे हमने इस सातवें फंदे के ऊपर में से यूं ड्रॉप कर देने हैं, उतार देने हैं इस तरह से। देखिए ये देखिए मैंने एक एक करके ये छह फंदे इसके ऊपर से उतार दिए, सातवें फंदे के ऊपर में से। अब देखिए अब ये जो आगे वाला फंदा आपको दिख रहा है, एक जो आगे वाला फंदा है, अब इससे हमने सात फंदे बनाने हैं, एक से हमने सात फंदे बनाने हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, पहले इसको उल्टा बनाया, फिर धागे को घुमाएंगे, एक बार फिर से उल्टा बनाएंगे, तीन फंदे हो गए, फिर से धागे को घुमाया, फिर ये फिर से उल्टा बनाया, पांच फंदे हो गए, फिर से धागे को घुमाएंगे और फिर से इसको उल्टा बनाएंगे। तो ये और फिर इसको छोड़ देंगे। तो ये हमने बना लिए एक से सात फंदे, यहां पर जो हमारे फंदे यहां पर कम हुए वो यहां पर हमने बढ़ा लिए।
अब ये एक फंदा छोड़कर यहां से फिर से हम रिपीट स्टार्ट करेंगे, फिर से यही रिपीट करेंगे। तो फिर से देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सातवें फंदे को हम पहले उल्टा बनाएंगे और ये 6 फंदे जो हमने स्लिप किए उसको हम इसके ऊपर से उतारते जाएंगे। इस तरह से देखिए एक एक फंदा करके इसके ऊपर से उतारते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये 6 फंदे इसके ऊपर से उतार दिए और अब ये जो आगे वाला फंदा है इसके हमने 7 फंदे बनाने हैं। तो एक उल्टा बनाया, फिर से इसको बनाएंगे, धागे को घुमाकर 3 हो गए, ये 5 हो गए, फिर से घुमाएंगे धागा और 7 फंदे हमने ये एक फंदे से बना लिए। तो ये पूरी रो देखिए हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है, लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसको हमने उल्टा बना लेना है। अब आ जाइए रो 5 पर, रो 5 राइट साइड से। तो रो 5 देखिए, ये रो 5 हम फिर से रो 1 की तरह ही बनाएंगे, सारे फंदे हम यहां पर उल्टे बनाएंगे। रो 5 हम रो 1 की तरह बनाएंगे और उसके बाद रो 6 हम रो 2 की तरह बनाएंगे और फिर रो 7 हम रो 3 की तरह बनाएंगे। ये 3 रो हमारी सेम पड़ती हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि 7th रो हमारी किस तरह से पड़ेगी। रो 5 है, 6 है, सॉरी 7th भी हम 3rd रो की तरह बनाएंगे और उसके बाद रो 8 मैं आपको बताती हूँ कि रो 8 में हमने क्या करना है। रो 8 में थोड़ा सा डिजाइन हमारा चेंज हो जाता है तो वो मैं आपको बताऊंगी। ये रो 5 6 7 आपने सेम रो 1 2 3 की तरह बनानी है। तो देखिए रो 7 तक मैंने यहां पर बना लिया है, रो 7 तक सेम हमने देखिए रो 5 1 की तरह बनाएंगे और रो 6 हम रो 2 की तरह बनाएंगे और रो 7 हम रो 3 की तरह बनाएंगे। तो ये 3 रो हमने सेम बना ली, रो 7 तक मैंने यहां पर बना लिया। अब रो 8 में आ जाइए, रो 8 में थोड़ा सा डिजाइन हमारा चेंज होता है तो यहां पर देखिए क्या करेंगे। अब पहला फंदा तो उल्टा उतार लिया, अब देखिए जो हम 4th रो बनाते हैं उसमें हम पहले ये 7 फंदे को बनाते हैं, 6 फंदे स्लिप कर लेते हैं, बट यहां पर पहले देखिए हम एक फंदे के 7 फंदे बना लेंगे। पहला फंदा उल्टा उतारा, फिर एक फंदे के 7 फंदे पहले बना लेंगे। तो सेम प्रोसीजर है, वैसे ही करेंगे, उल्टा बनाया, फिर धागे को घुमाया, फिर से उल्टा बनाया, देखिए 5 फंदे हो गए, फिर से एक बार बनाएंगे और ये हमने बना लिए 7 फंदे। अब इसके बाद हम ये देखिए आगे जो हमारे पास 6 फंदे हम स्लिप करेंगे, अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 सातवें फंदे को उल्टा बनाएंगे और फिर एक एक करके ये 6 फंदे इसके ऊपर से उतारते जाएंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर से फिर उतारते जाएंगे ये फंदे, देख लीजिए इस तरह से। इस तरह से देखिए हमने एक एक करके 6 फंदे इसके ऊपर से उतार दिए और अब एक फंदा छोड़कर यहां से फिर से हम रिपीट स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए फिर से एक बार इसको उल्टा बनाया, धागे को घुमाया, फिर से इसको ही उल्टा बनाएंगे, 3 फंदे हो गए, फिर से उल्टा बनाएंगे, धागे को घुमाकर 5 हो गए, फिर से एक बार बनाएंगे तो 7 फंदे हमने ये पहले बना लिए। फिर ये देखिए अब 6 फंदे स्लिप करेंगे, 4 5 6 और 7वें फंदे को बनाएंगे और फिर ये 6 फंदे इसके ऊपर से उतारते जाएंगे। तो ये पूरी रो देखिए हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। देखिए 6 फंदे हमने इसके ऊपर से उतार लिए ये। अब लास्ट में देखिए हमारे पास ये एक फंदा होगा, इसको हमने उल्टा बना लेना। तो देखिए 8 रो बनाने के बाद हमारा डिजाइन भी यहां पर ओवर हो जाता है। अब देखिए जैसे जैसे हम इस डिजाइन को बनाते जाएंगे डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, देख लीजिए कितना प्रीटी बन रहा है ये। और ये क्रोशिए वाली बुनाई है, जो क्रोकोडाइल स्टिच होता है उसको मैंने सिलाई से बनाने की कोशिश की है, जो क्रोशिए का क्रोकोडाइल स्टिच है उसको मैंने सिलाई से बनाई की है ये। तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये। आप अगर फ्रॉक बनाना चाहते हो उसके ऊपर आप बनाओ बनाइए इस डिजाइन को, बेबीज फ्रॉक पर बनाइए, मफलर बनाइए, शॉल बनाइए,
या जो भी आप इस प्रोजेक्ट से बनाना चाहते हो, अपने लिए जैकेट बनाइए, कार्डिगन बनाइए, जो भी आप जिसे आप क्लासिक लुक अगर आप अपने किसी पीस को देना चाहते हो, डिजाइनर जो भी आप बुनाई करना चाहते हो उस पर आप इस डिजाइन को ट्राई कर सकते हो। तो कैसा लगा प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से सीखते रहिए नए नए निटिंग डिजाइन।